आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। यार मोहम्मद जैकब आबाद से, बलूचिस्तान का बॉर्डर हमसे बहुत करीब है भाई, स्मगलिंग करनी है तो अपनी जिम्मेदारी पे करो, मेरे कंधे पे रख के बंदूक ना चलाओ। ये स्मगलिंग से मुतालिक सवाल है। मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि स्मगलिंग के नतीजे में जो पैसा मिलता है वो पैसा बहरहाल हलाल होता है, बाकी स्मगलिंग इलीगल है। यानी आपने किसी दूसरे मुल्क से इलीगल कोई चीज ला के किसी दूसरे मुल्क में बेची, तो वो चीज अगर जायज है, कोई चर्स हीरोइन या ड्रग वगैरह नहीं है, कोई मोबाइल है, पेट्रोल है, तो वो उससे जो आमदन हासिल होगी वो बहरहाल हलाल होगी। अलबत्ता ये अमल गलत है क्योंकि इलीगल काम कर रहे हैं आप। अच्छा, अब इलीगल में भी फिर ये है कि हकीकी मानों में इलीगल हो, वाकई पाबंदी हो। बाज दफा जो मुल्क की गवर्नमेंट है वो कागज में कह रही होती है इलीगल है, लेकिन उसने खुद लोगों को परमिशन दी होती है गवर्नमेंट लेवल पे, उसमें कुछ हिकमतें होती हैं। तो ये सब चीजें आपको सियासी लीडर और जो गवर्नमेंट के जो अफसरान हैं वो ज्यादा अच्छा बता सकते हैं कि ये जो बलूचिस्तान में स्मगलिंग हो रही है किस हद तक इलीगल है भी या नहीं है। तो ये सब बातें आप वहाँ के जो भी गवर्नमेंट लेवल पे जो लोग हैं, जो रिलायबल लोग हैं, दो नंबर लोग नहीं, उनसे आप पूछें लॉ क्या इस बारे में है, वो आपको बताएंगे। बाकी मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि ऐसा कोई पेट्रोल आप जब लाते हैं तो उससे आमदन जो हासिल होती है वो बहरहाल हलाल होती है। अलबत्ता स्मगलिंग का गुनाह होगा अगर ये नाजायज है, क्योंकि जो है वो जो भी इंतजामी मामलात होते हैं उसमें हुकूमत की इताअत लाजिम होती है, और नाजायज भी जब है जब ये वाकई इलीगल हो, कागज की हद तक ना हो, गवर्नमेंट लेवल पे उसको इलीगल ही समझा जाता हो, तो फिर वो आप हुकूमती अहलकारों से पूछें, वो आपको बताएंगे कि ये कानून दिखाने के लिए है या हकीकत में भी है, ये मैं नहीं जानता इस बारे में।